उपचुनाव में मतदान को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था, लोकसभा क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, पुलिस पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। आज रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां नवीन कृषि गल्ला मंडी से रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियां 1756 मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियां मैनपुरी जिले के 28 जोन 163 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में एक जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। सकल मतदान होना है, प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की? मैनपुरी उपचुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद मैनपुरी की अवस्थित 4 विधानसभा में कुल 1269 मतदान केंद्र एवं 1756 हमारे मध्य स्थल हैं, जिन पर पृथक पृथक पार्टी रवानगी इस समय सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही हमारे 163 के ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 28 के ऊपर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसी समानांतर हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी टीम वो समानांतर काम करेगी। पुलिस व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ कराई जा रही है। पुलिस पोलिंग पार्टियों के साथ में यहाँ से रवाना कराई जा रही है। होपफुली 1-2 घंटे में हमारी पार्टियाँ यहाँ से सारी मूव कर जाना चाहिए। सर, अगर जो बात की जाए तो जिले में अतिसंवेदनशील केंद्र कितने हैं? सर, जो अतिसंवेदनशील है और जो संवेदनशील है उनका अलग चिन्हांकन किया गया है, उनके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स अलग से कराई जा रही है। ठीक।